હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આગામી બે દિવસમાં ચક્રવાત વાવાઝોડામાં ફેરવાઈ શકે છે। વાવાઝોડું હરિહરેશ્વર અને દમણની વચ્ચે ઉત્તર મહારાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાત તરફથી 3 જૂનની સાંજે અથવા રાત્રે અથડાઈ શકે છે। ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે આગામી બે દિવસમાં તે ચક્રવાતમાં ફેરવાઈ શકે છે। તે કેરળ, કર્ણાટક, ગોવા, મહારાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના તટ વિસ્તારમાં સોમવારે અથવા મંગળવારે 100 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપથી અથડાઈ શકે છે। હાલ તે ગોવાથી 4 કિમી દક્ષિણ પશ્ચિમ, મુંબઈથી 700 કિમી દક્ષિણ પશ્ચિમ અને ગુજરાતના સુરતથી 930 કિમી દક્ષિણ પશ્ચિમના અંતરે છે। ચક્રવાતી વાવાઝોડામાં ફેરવાય પછી 2 જૂનથી સવારે તે ઉત્તર બાજુ વળવાની શક્યતા છે। વાવાઝોડું હરિહરેશ્વર અને દમણની વચ્ચે ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત તટથી 3 જૂનની સાંજે અથવા રાત્રે અથડાઈ શકે છે। અભી જો સિસ્ટમ હૈ વો સુરત સે 90 કિલોમીટર સાઉથ વેસ્ટ મેં હૈ ઓર વો નેક્સ્ટ 24 ઘંટો મેં સાયક્લોનિક સ્ટોર્મ બન જાયેગી। ઉસકે બાદ મેં વો 3rd કો શામ કો साउथ गुजरात में दमण से महाराष्ट्र में हरिहरेश्वर के बीच में से वो सिस्टम कहीं से भी पास हो सकती है, ऐसा IMD का अनुमान है। और तब तक ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है। 3rd और 4th को दक्षिण गुजरात में काफ़ी जगह पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की भी आशंका है। और जो विंड स्पीड है वो सूरत की जब तक बात करें तो 70 से 80 किलोमीटर प्रति आर की स्पीड से वो विंड स्पीड रहेगी। एंड जो फिशरमैन हैं उनको समंदर में न जाने के लिए अभी बोला गया है, तारीख 4/6/2020 तक कोई फिशिंग के लिए समंदर में न जाए। सारे लोगों से विनती है कि वो अपने घर में रहे, कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से जितना पॉसिबल है दूर रहें, कोई टूट सके ऐसी चीज़ों से दूर रहें, कोई समंदर किनारे न जाए, सेल्फी और वीडियो के लिए बाहर न निकले और कोई फिशिंग के लिए न जाए, इतनी सबसे अनुरोध है। कुल सूरत में पूरे सारे तालुकों को अलर्ट किया गया है। हमारे जो 84 मजूरा और ओलपाड़ 3 तालुका हैं उसमें 32 विलेजेस हैं कि जो साइक्लोन की वजह से अफेक्ट होते हैं, तो उनको अलर्ट किया गया। अभी कोई इवैक्यूएशन नहीं किया गया है, वी आर कीपिंग अ वॉच, ज़रूरत पड़े तो इवैक्यूएशन करवाएंगे। सर ये कहाँ टकराने की संभावना है? जैसे मैंने बताया दमण, अभी का जो फोरकास्ट है वो दमण से लेके हरिहरेश्वर रायगढ़ जिले में उसके बीच का लोकेशन है। सूरत पर कितनी संभावना है? सूरत से साउथवर्ड है, पर अभी जैसे हम लोग जब लैंडफॉल की बात करते हैं तो लैंडफॉल वो साइक्लोन का सेंटर होता है उसकी हम बात करते हैं, पर उसके आसपास की जो सर्कुलेशन सिस्टम होती है उसकी वजह से भारी बारिश होना, बहुत स्पीड से हवा चलना, वो दूर दूर तक उसकी इफ़ेक्ट्स होती हैं। तो इसकी वजह से सूरत में उसका लैंडफॉल नहीं होगा बट अल्टीमेटली उसकी इफ़ेक्ट्स तो रहेंगे। अभी हमारे पास एक NDRF की टीम है और उसके बाद में एक SDRF की टीम भी है, उसके अलावा SMC की टीम्स हैं जो हर बार हमारे साथ मिलकर काम करती हैं। सो वी हैव सफिशियंट नंबर्स, कोई इशू नहीं। सर कितनी स्पीड से टकराने की संभावना है और कितना विनाशक हो सकता है? वो धीरे धीरे उसमें बिकॉज हर बार उसमें चेंजेस होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द विंड, डिपेंडिंग ऑन लोकल सिचुएशन, तो जैसे जैसे उसमें फ़र्क आता जाएगा। अभी का जो स्पीड बताया सूरत के लिए अगर बात करें तो 70 to 80 किलोमीटर पर आर है, पर अगर आप उसके जो बुलेटिन है उसमें अगर देखें तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में मैक्सिमम विंड स्पीड इज़ 105 to 115, गस्टिंग टू 125, तो 105 से 115 किलोमीटर और 125 तक जा सकता है, बट वो है जहाँ पे उसका आई होगा या जहाँ पे उसकी नज़दीक सेंटर होगा। पावरफुल होगा जैसे जैसे समय, ये बेसिकली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने जा रहा है तो इट वुड बी पावरफुल। સુરત કલેક્ટર ધવલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આગામી 5 તારીખ સુધી તમામ માછીમારોને દરિયા ન જવાની સૂચના અપાઈ છે। વડોદરાથી આજે NDRFની ટીમ સુરત આવી ગઈ છે। હાલ ટીમને સુવાલી દરિયા કિનારે તૈનાત કરાઈ છે, ત્યારબાદ સૂચના મુજબ કામગીરી સોંપાશે। ઓલપાડ, સુવાલી, હજીરા અને ડુમ્મસના દરિયા કિનારે વાવાઝોડાની અસરને લઈ તંત્ર એલર્ટ છે, તેથી તમામ બીચ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે।